नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 21 अगस्त तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 22 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 31 अगस्त तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के उन सबको यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पता है कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जहाँ से आपको सुविधा लगे, टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिलता तो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। और रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जितने क्वेश्चंस एनालिसिस किए थे, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, उस डिस्कशन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लिए। इन क्वेश्चंस का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस क्षेत्र को नए जिले के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। एक पिछले लेक्चर में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसका आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन क्या मैं इस वीडियो के बाद में करूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँ या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो कुछ लोगों के सजेशन आए थे, इस वीडियो में भी मैं आपका कुछ सजेशन जानना चाहूँगा। तो जो भी आपका सजेशन है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ठीक, चलिए आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वन अधिकार दावों को यानी कि फॉरेस्ट राइट क्लेम को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। हमने पिछले वीडियो में भी एनालिसिस किया था कि छत्तीसगढ़ जो है वन अधिकार देने के मामले में पूरे देश भर में अव्वल है। कैसे अव्वल है? सबसे पहली बात, शहरी क्षेत्रों में भी वन अधिकार का मान्यता देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दे तो। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है एक ट्राइबल बहुल राज्य है जहां पर 31% से अधिक जनसंख्या जो है छत्तीसगढ़ की वो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, और इनका आमदनी का यानी कि जीवन यापन करने का जो मुख्य सोर्स है वो वनों पर आधारित है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विशेष कदम उठाया गया है और विशेष यहाँ पर उनको छूट दिया गया है ताकि वनों का अधिकार जो है बहुत आसानी से उन्हें मिल सके। और हाल ही में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए हुए थे और इनके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत सराहा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप याद रखिएगा कि जो भी सामुदायिक अधिकार दिया गया या फिर इंडिविजुअल अधिकार दिया गया फॉरेस्ट राइट्स को लेकर, वो छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। ये कुछ डेटा याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी डेटा पूछ देता है, इसलिए आपको डेटा पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो है 486,000 इंडिविजुअल और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता जो है यहाँ के वनवासियों को दिया जा चुका है। और अगर टोटल एरिया की हम बात करें तो ये 21,95,228 हेक्टेयर का रकबा होता है। ये तो इतनी बातों को, बस ये आप डेटा को याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा जो हम पिछले लेक्चर में एनालिसिस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने लघु वन उपज पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है? 52 वन उपज पर जो है समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और वन उत्पाद से जो इनको एक्स्ट्रा आमदनी हो रहा है इन ट्राइबल्स एरियाज में रहने वाले लोगों को, वो इस वर्ष है 502 करोड़ रुपया। इन बातों को भी आप याद रखिएगा। पहले कितना समर्थन मूल्य दिया जाता था, कितने वन उपज पर? 7, और अब दिया जा रहा है 52। तो इस तरह से इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय पोषण माह। अच्छा एक बात बताइए, मैंने पहले भी पूछा था, तेंदुपत्ता संग्राहक योजना किन के नाम से चलाया जा रहा है? ये पिछले वर्ष शुरू किया गया था। तेंदुपत्ता संग्राहक जो भी मजदूर होते हैं उनके परिवारों को प्रोटेक्शन देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू किया गया था, उस स्कीम का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि तेंदुपत्ता पर इस वर्ष कितना समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इसका जवाब भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने में मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने का नाम याद रखिएगा। तो 2018 के बाद से प्रत्येक वर्ष
सितंबर का जो महीना है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष भी पोषण माह राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाएगा, और इसी के साथ राज्य स्तर पर भी इस पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक किया जाएगा। कौन से विभाग या फिर मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इसका आयोजन किया जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा विभाग या फिर कौन से मंत्रालय द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इस वर्ष का छत्तीसगढ़ का स्लोगन आपको याद रखना है, यानी कि छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक स्लोगन दिया गया है राष्ट्रीय पोषण माह मनाने के लिए। उस स्लोगन का नाम है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। तो ये स्लोगन आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए स्लोगन का नाम आपको याद रखना होगा। एक बात और, छत्तीसगढ़ में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के उद्देश्य कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। पिछले लेक्चर में ही हमने उस टॉपिक को डिस्कस किया था, ब्रीफ में डिस्कस किया था, और ये भी देखा था कि किस प्रकार से जो कुपोषण की समस्या है उसमें छत्तीसगढ़ में कमी देखने को मिल रही है, जबकि पहले हम देखते थे कि कुपोषण के मामले में छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्यों में था। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय पोषण माह किस अभियान के तहत मनाया जाता है, तो पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है, और वर्ष 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि पोषण अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो पोषण अभियान की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था, राजस्थान से हुआ था। ठीक, कब हुआ था, ये हुआ था 8 मार्च। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू इस एरिया से जो है आपका पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, प्रदेश के किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वो ऐलान क्या है, तो इस वर्ष अगर आप देखोगे तो काफी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम हुआ है, और इस कम वर्षे की वजह से सूखा या फिर अकाल आने की संभावना है। ऐसे में किसानों की मदद करने के लिए, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, और कहा गया है कि अगर अधिक वर्षा से या फिर कम वर्षा से आपकी फसल खराब होती है तो आपको प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि अगर अल्प वर्षा या अधिक वर्षा से आपकी फसल खराब होती है तो उत्पादन हो या ना हो, यानी कि प्रोडक्शन हो या ना हो, तो भी आपको 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप आंसर जरूर कीजिएगा। 9,000 रुपए प्रति एकड़ जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत घोषणा किया गया है। अब इसमें एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन रख लीजिए, इस खरीफ वर्ष के लिए जो MSP सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया है, धान पर कितना किया गया है, तो 1940 रुपए ये सामान्य धान के लिए है, और MSP धान पर यानी कि पैडी पर ए ग्रेड का अगर धान है तो इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1960 रुपए है, इस बात को भी याद रखिएगा। और 1960 रुपए या फिर 1940 के बाद छत्तीसगढ़ में जो शेष राशि बच जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, धान को 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है, तो इस समर्थन के मूल्य के बाद जो शेष रकम बच जाता है वो छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी योजना के तहत किसानों को प्रदान कर रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में जो इनपुट सब्सिडी दिया जा रहा है वो प्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है। ठीक, तो चलिए, इतने पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एल्ब्रुस, और इस पर छत्तीसगढ़ के चित्रसेन साहू ने हाल ही में सफल चढ़ाई की है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफल चढ़ाई की है चित्रसेन साहू ने 23 अगस्त को इस माउंट एल्ब्रुस पर सफल चढ़ाई की, और चित्रसेन साहू जो है इस पर्वत को फतह करने वाले देश के प्रथम डबल एम्प्यूटी माउंटेनर है। डबल एम्प्यूटी माउंटेनर का मतलब क्या हुआ कि जो उनके दोनों पैर हैं वो कृत्रिम हैं, और दोनों पैर कृत्रिम वाले
चित्रसेन साहू पहले ऐसे निवासी हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस पर सफल चढ़ाई की है। ये देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, इसीलिए प्रीलिम्स के लिए ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चित्रसेन साहू जो है छत्तीसगढ़ में ब्लेड रनर हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यह मूलतः जो है छत्तीसगढ़ के बालोद के निवासी हैं और इन्होंने इस पर्वत पर जब चढ़ना शुरू किया था तो इन्होंने एक मिशन लेकर चढ़ा था, वो मिशन इंक्लूजन और प्लास्टिक फ्री का उन्होंने वहाँ से संदेश दिया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने के बाद चित्रसेन साहू ने क्या संदेश दिया, तो मिशन इंक्लूजन और प्लास्टिक फ्री का इन्होंने वहाँ से संदेश दिया। कुछ थोड़े बहुत और भी यहाँ पर याद रखना चाहो तो इसकी इस कैंपेन के तहत इन्होंने चढ़ाई की, तो मिशन इंक्लूजन और पैरों पर खड़े हैं इसका मतलब होता है मिशन इंक्लूजन का। इस कैंपेन के तहत इन्होंने चढ़ाई किया, स्थान क्या था, यूरोपीय महाद्वीप था, देश कौन सा था, रूस था, पर्वत माउंट एल्ब्रुस और इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 5642 मीटर और 18510 फीट। मीटर में भी याद रखना है, फीट में भी याद रखना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखना है कि चित्रसेन साहू जो है इनका ये तीसरे महाद्वीप में की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई था। इससे पहले ये अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी चढ़ चुके हैं और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कोजी अस्को, इस पर भी सफल चढ़ाई कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर। एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ गठित होने के बाद कौन सी ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई सफलतापूर्वक की है, उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई किया है, उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है, बस्तर में एक जगह है और उस जगह पर है एक ट्राईफूड पार्क जिसे कहा जाता है सिमरा का ट्राईफूड पार्क। ये ट्राईफूड पार्क का मतलब है कि जो भी वनोपज उत्पादित किया जाता है इस ट्राईफूड पार्क में उसे सेल किया जाता है और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो काम होता है वो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ट्राईफूड एजेंसी के तहत किया जाता है और उस एजेंसी के तहत ट्राईफूड पार्क की स्थापना किया गया है बस्तर के सिमरा में। और केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बस्तर जिले के में स्थित यह बाबू सिमरा का ट्राईफूड पार्क जो है पूरे देश के लिए आदर्श है और इसी तरह का ट्राईफूड पार्क जो है पूरे देश भर में स्थापित किया जाएगा। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बस्तर आपसे यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा ट्राईफूड पार्क के तर्ज पर पूरे देश भर में ट्राईफूड पार्क खोले जाने की घोषणा केंद्रीय जनजाति मंत्री द्वारा किया गया है, तो वो होगा आपका बस्तर का सिमरा ट्राईफूड, याद रखिएगा। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में वनोपज उत्पाद जो भी होता है उसे बाजार उपलब्ध होगा, नेशनल मार्केट पे भी होगा, इंटरनेशनल मार्केट पे भी पहुंचने की इसकी जो क्षमता है उसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकेगा। ठीक है, तो इतनी बातों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महासमुंद जिले में मिला है चित्रित शैलाश्रय। चित्रित शैलाश्रय का मतलब क्या है, शैल चित्र वहाँ पर मिला है और महासमुंद जिले का ये पहला शैल चित्र है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देख लेते हैं। नृत्य करते मानव समूह वानर सूर्य और चंद्रमा सहित जयमातिया आकृति में लाल गिरी हुए रंग से निर्मित है यहाँ पर जो शैल चित्र मिला है और यह शैल चित्र जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत ज्ञात अब तक का पहला शैल चित्र है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि महासमुंद के कौन से क्षेत्र में इस शैल चित्र की खोज की गई है, तो महासमुंद जिले के अंतर्गत बागबहारा तहसील का अंतर्गत ग्राम मोहदी के निकट एक महादेव पठार है वहीं पर इस शैल चित्र की जो है वो खोज की गई है। ठीक है, और यहाँ उपलब्ध शैल चित्रों के आधार पर इस क्षेत्र में मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्राचीनतम मध्य पाषाण काल तक संभावित है, यानी कि यह जो शैल चित्र ढूंढा गया है यह मध्य पाषाण काल का हो सकता है, अभी श्योर नहीं है लेकिन ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। ठीक है, और इस शैल चित्र का खोज किसने किया है, तो इनका आपको नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो संस्कृति विभाग के उप संचालक डॉक्टर पीसी पारस के नेतृत्व में पर्यवेक्षक प्रभात कुमार एवं उत्खनन सहायक प्रवीण तिर्की द्वारा इसकी खोज की गई है। तो इस तरह से महासमुंद जिले में पहला शैल चित्र मिला है और कौन से एरिया में मिला है ये याद रखना है, किसके द्वारा खोजा गया है ये याद रखना है,
कौन से काल का है ये याद रखना है, और इसकी विशेषता क्या है ये याद रखना है। बस इतने पॉइंट्स को, चार पांच पॉइंट्स को आप इस टॉपिक में याद रखिएगा, ये सफिशियंट होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया था। वीडियो पसंद आने पर आप लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, जो मैंने आपसे सजेशन मांगा है शुरुआत में, उस सजेशन को आप नीचे जरूर कीजिएगा। ठीक, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।